अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, रोमन रेंज कब तक रिटर्न कर सकते हैं, इस हवाले से जे उजो ने एक अपडेट दी है और इसके अलावा ब्रोक लेसनर और बॉबी लैशली का ड्रीम मैच ऑफिशियल हो चुका है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा सेथ रोलिंस का नेम चेंज कर दिया गया है, तो इन सब न्यूज को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेथ रोलिंस के बारे में। तो दोस्तों, सेथ रोलिंस को नए साल के साथ एक नया नाम भी मिल चुका है और WWE ने अब उनका नाम सेथ रोलिंस की बजाय सेथ फ्रीकन रोलिंस रख दिया है। हाँ, पहले भी उन्हें सेथ फ्रीकन रोलिंस कहा जाता था, लेकिन अब ऑफिशियली तौर पर WWE ने उनका ये नाम रख दिया है और WWE डे वन पेपर व्यू पर भी उन्होंने इसी नाम के साथ अपीयरेंस की थी। दोस्तों, आप सेथ रोलिंस के इस नेम चेंजिंग के बारे में क्या कहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं ब्रोक लेसनर और बॉबी लैशली के ड्रीम मैच के बारे में, जो कि रॉयल रंबल के लिए ऑफिशियल हो चुका है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से WWE फैंस ब्रोक लेसनर और बॉबी लैशली के इस ड्रीम मैच का वेट कर रहे थे और बॉबी लैशली से भी उनके रिटर्न पर प्रॉमिस किया गया था कि उनका ब्रोक लेसनर के साथ ये ब्लॉकबस्टर मैच करवाया जाएगा, लेकिन उन्हें भी इस मैच के लिए बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा और फाइनली रॉयल रंबल 2022 में उनको ये मैच मिल चुका है। दोस्तों, आप इस मैच के लिए कितना एक्साइटेड है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में। तो रोमन रेंज, जो कोविड पॉजिटिव होने की वजह से WWE टीवी पर दिखाई नहीं दे रहे, उनके रिटर्न के बारे में जे उजो ने एक अपडेट दी है। दोस्तों, जे उजो ने कहा कि हमने रोमन रेंज को WWE डे वन पर बहुत मिस किया और डे वन पर हमारी ये विक्ट्री रोमन रेंज के नाम है। इसके साथ साथ उन्होंने रोमन रेंज के बारे में बताया कि वो अभी घर में रेस्ट कर रहे हैं और मैं भी कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम्स खेल रहे हूँ। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और हम उन्हें बहुत जल्द वापस देखने वाले हैं। यानी हो सकता है कि एक डेढ़ हफ्ते में फिर से रोमन रेंज हमें WWE टीवी पर दिखाई दे। वी होप कि उनके साथ कुछ सीरियस ना हो और बहुत जल्द हमें वो उसी तरह दोबारा टीवी पर आकर एंटरटेन करें। दोस्तों, ऐसी मजीद रेसलिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।